है, इससे ये दोनों की दोनों टीम्स एक ही बैटल तक लेकर लाने की कोशिश कर रही है। काफी ज्यादा डैमेज लक्सी को दे चुके थे, बेयरली सर्वाइव कर रहे थे 10 एचपी पर। जॉनथन यहाँ पे ब्लू जोन के थ्रू नॉकडाउन हो जाएंगे और क्लच गॉड यहाँ पे अकेले बचे हैं, तो हील बैटल पे जैसा मैंने कहा था बात आ जाती है। और क्लच गॉड के पास बचे हैं सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स, बूस्ट ऑलरेडी रन होने चालू हो चुके हैं, नेट जा रहे हैं सामने से, कितनी देर तक क्लच गॉड सर्वाइव करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सामने से इमोट्स पे लाने शुरू हो चुके हैं, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजर। अब बहुत हो गया, अब टपाटप देना ही पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे बीटीआर यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश करिए, ब्लूजोन से काफी ज्यादा डैमेज देगी और उसका फायदा है डीएसएम उठाने की कोशिश करेगी। और जॉनथन ने काफी ज्यादा डैमेज दिया था बट राइजन ऑटोमेटिकली प्ले जोन से यहाँ पे नॉक डाउन होते हुए। इन द मीनवाइल जो एलिमेंट्रिक्स थी वो वहाँ पे आई थिंक जैनमारा के ऊपर कह डालती, नो इट वॉज सिनर्जी जैनमारा के प्लेयर्स को बाहर निकालती एंड गनर नॉक डाउन हो जाएंगे। बट यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो टीम बीटीआर के लक्सी काफी ज्यादा मुश्किल में, क्योंकि ऐश यहाँ पे सेट को फिनिश करते हुए जॉनथन नहीं छोड़ना चाहेंगे, लास्ट मैच का बदला जरूर लेंगे। जॉनथन ने 2 प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश कर दिया, एक राइजन को जो वो नॉक पे पड़े थे जोन के बाहर, और लक्सी जब कवर लेने की फिराक में थे, और जॉनथन ने यहाँ पे नेड भी डाल दिया लक्सी के ऊपर। यहाँ पे आग उगलते हुए, आग बरसाते हुए यहाँ पे टीएसएम एंटिटी इस बार आगे बढ़ते हुए जाएगी माइक टू बॉय की तरफ, अकेले बचे बट नियो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे टीम सीक्रेट की तरफ, बट वो कुछ नॉक हो गए। आज ने वहां पे डाको फिनिश कर दिया और यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग चाओटिक सिचुएशन हो चुका है। T70 के क्लच गॉड ने वहां पे आई शॉट को फिनिश ऑफ कर दिया, स्काउट ने वहां पे लक्सी को फिनिश कर दिया। 3 स्पॉट जहां पे एक दूसरे का फाइट लेते हुए जॉनथन यहाँ पे माइक्रो बॉय के साथ सिंगल हैंडेड फाइट लेना चाहिए, बहुत लो स्पीड पे जॉनथन रिलोड कर रहे थे, माइक्रो बॉय ने उसका फायदा उठाया, जॉनथन को नॉक कर दिया। रॉनक ने वहां पे पीछे से माइक्रो बॉय को नॉक कर दिया। टीम फनाटिक T70 और टीम बीटीआर के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट चलती हुई, लक्सी ने चारों तरफ यहाँ पे मुंह बिखेर रखा है। टीम बीटीआर यहाँ पे इस सिचुएशन से उसको निकलना पड़ेगा, कैसे निकलेंगे वो एक बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है। और उनको भी नॉक कर देंगे, जॉनथन को यहाँ पे रिवाइव दे देंगे, उनकी T70 के सी गॉड ऑलरेडी न्यू फिनिश हो चुके हैं और सी गॉड यहाँ पे जा रहे हैं अपने दूसरे टीम में क्लच गॉड को रेस्ट देने के लिए। पैराडॉक्स ने वहाँ पे पावर हाउस के ज़ीब्रा को नॉक कर दिया, देखते हैं यहाँ पे पैराडॉक्स उनको फिनिश कर पाते हैं। यस डेफिनेटली ज़ीब्रा को भी फिनिश कर देंगे और आइकॉनिक को भी फिनिश कर देंगे, और इसी के साथ ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 9 ही टीम बचे टीम बीटीआर की, अभी भी सर्वाइव करती हुई सीगॉड काफी ज्यादा ओपन में आ चुका है, सक्सी इनको पनिश कर देंगे। टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड और जॉनथन को यहाँ पे कुछ संभाल करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे नेट्स भी डालते हुए सक्सी यहाँ पे फर्स्ट एड भी हील कर रहे हैं, और ये फाइट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड जॉनी। डेफिनेटली ये फाइट ऑलरेडी आउट ऑफ हैंड जा चुके जब इतने थर्ड पार्टीज हो गए थे, और अब जॉनथन फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द स्कैफोल्डिंग थ्रोन अप करेंगे और इंस्टेंटली बीटीआर के जो 2 प्लेयर्स थे उन दोनों को माइक्रोबॉय और जक्सी को फिनिश ऑफ